नमस्कार दर्शक बंधुओं, आपका अपने चैनल सतवीर ऑफिशियल में स्वागत है। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में एक राजा और रानी शासन करते थे। राजा न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाला था और रानी बुद्धिमान और करुणाशील थी। वे दोनों अपने राज्य का प्रबंधन बड़ी सावधानी और समझदारी से करते थे, जिससे उनका राज्य सुखी और समृद्ध था। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम और सम्मान देती थी। राजा और रानी ने अपनी पूरी जिंदगी धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की कोशिश की थी। वे न केवल अपने राज्य के लोगों के भले के लिए काम करते थे, बल्कि निजी जीवन में भी धर्म के सिद्धांतों का पालन करते थे। वे नियमित रूप से पूजा पाठ करते और दान पुण्य के कामों में लीन रहते थे। उन्होंने अपने कर्मों के प्रति सदा सचेत रहते हुए यह सुनिश्चित किया कि वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हालांकि उनके मन में एक सवाल बना रहता था, क्या सच में कर्मों का फल मिलता है? राजा और रानी इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए हमेशा चिंतन करते थे, परंतु उन्हें कोई ठोस उत्तर नहीं मिल पाता था। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध ऋषि का आगमन हुआ। ऋषि अपने गहन ज्ञान और तपस्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा ने ऋषि को राजमहल में आमंत्रित किया और उनके समक्ष अपने सवाल को रखा। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, परंतु कभी कभी यह फल तुरंत नहीं मिलता, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित है कि कर्मों का फल, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, एक न एक दिन अवश्य मिलता है। ऋषि की बातों ने राजा और रानी को बहुत प्रभावित किया, लेकिन उनके मन में अब भी संदेह बना रहा। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, क्या आप हमें इस बारे में कुछ अधिक समझा सकते हैं? क्या हम इसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको कर्मों के फल की महत्व और उससे गूढ़ रहस्य का बोध होगा। यह कहानी एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। ऋषि ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाइयों का परिवार रहता था। बड़े भाई का नाम सूर्यनाथ और छोटे का नाम चंद्रनाथ था। सूर्यनाथ मेहनती, ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति था। उसे अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया था और हमेशा दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था। चंद्रनाथ दूसरी तरफ लालची, स्वार्थी और कुटिल था। उसने हमेशा अपनी भलाई के लिए झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लिया। वह दूसरों की संपत्ति पर नजर रखता था और उसे हथियाने का प्रयास करता था। दोनों भाई के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके पिता का निधन हो गया। पिता की संपत्ति का बंटवारा हुआ और दोनों भाइयों ने अपनी अपनी हिस्सेदारी ले ली। सूर्यनाथ ने अपनी संपत्ति का उपयोग लोगों की भलाई और धर्म कर्म के कामों में किया, जबकि चंद्रनाथ ने अपनी संपत्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए गलत रास्ते अपनाए। सूर्यनाथ का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसने जीवन भर कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके पास कभी बहुत अधिक धन नहीं रहा। फिर भी वह संतुष्ट था और अपने कर्मों पर विश्वास रखता था। चंद्रनाथ हालांकि जल्द ही अमीर बन गया। उसने दूसरों के हक को छीनकर और गलत तरीके से अपनी संपत्ति बढ़ाई। वह जीवन का आनंद उठाने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके गलत कर्मों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा। साल बीतते गए और दोनों भाइयों के जीवन में बदलाव आने लगा। सूर्यनाथ की सरल और सच्ची जीवन शैली ने उसे गांव के लोगों के बीच सम्मानित और प्रिय बना दिया। लोग उनकी सहायता के लिए दौड़ते और उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। वहीं चंद्रनाथ की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसके धोखे और छल कपट के कारण लोग उससे दूर हो गए। उसके धन में भी गिरावट आने लगी। धीरे धीरे वह अकेला और निर्धन हो गया। एक दिन चंद्रनाथ ने सूर्यनाथ से मुलाकात की और उससे पूछा, भाई, तुमने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया, फिर भी तुम्हें कभी सुख संपत्ति का आनंद नहीं मिला। दूसरी ओर मैंने अपनी सारी जिंदगी गलत काम किए और फिर भी मैं वर्षों तक ऐसो आराम से रहा, ऐसा क्यों हुआ? सूर्यनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई, कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन उसका समय अलग अलग हो सकता है। मैंने सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जिया, इसलिए मुझे अंततः सम्मान और संतोष प्राप्त हुआ। तुम्हारे गलत कर्मों का फल तुम्हें अभी मिल रहा है। भगवान के न्याय में देरी हो सकती है, परंतु अन्याय नहीं होता। यह कहकर सूर्यनाथ अपने भाई को समझाने की कोशिश करता रहा
कि जीवन में सही रास्ते पर चलना ही सच्चा सुख देता है। चंद्रनाथ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने जीवन को सुधारने का प्रयास भी किया, परंतु उसे पहले किए गए कर्मों का फल भुगतना पड़ा। उसकी संपत्ति छिन गई और उसे एक साधारण और संघर्ष में जीवन जीना पड़ा। ऋषि ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए राजा और रानी से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म हमें दीर्घकालीन सुख और संतोष प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें अंततः पीड़ा और हानि की ओर ले जाते हैं। राजा और रानी ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कर्म का फल अनिवार्य है। उन्हें निर्णय लिया कि वे और भी अधिक सतर्कता और न्याय के साथ अपने राज्य का शासन करेंगे और सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। इस प्रकार राजा और रानी ने अपने जीवन में और भी अधिक धर्म और न्याय का पालन किया। उन्होंने अपने प्रजा के लिए आदर्श बने रहने का संकल्प लिया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। समय बीतता गया और उनके राज्य की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग उनकी न्याय प्रियता और धर्म परायण की प्रशंसा करते थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहा और यह सब उनके सच्चे कर्मों का फल था। इस प्रकार राजा और रानी ने अपने भोग कर्मों का फल प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया और समझा कि जीवन में सही कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने अपने राज्य और जीवन में कर्म के सिद्धांत को समझा और उसे अपने आचरण में उतारा, जिससे वे और उनका राज्य सदा के लिए अमर हो गया। ऋषि के उपदेश और उनकी कथा सुनकर राजा और रानी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया कि कर्मों का फल अनिवार्य है और यह हमारी नियति को निर्धारित करता है। इस अनुभव से राजा और रानी का जीवन और भी उज्जवल हो गया और उन्होंने अपनी प्रजा के साथ धर्म और न्याय का पालन करते हुए सदैव सत्य मार्ग पर चलने का प्रण लिया। दर्शक बंधुओं, उम्मीद है आपको यह वीडियो कथा स्टोरी जरूर पसंद आई होगी और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो कथा स्टोरी डालें तो सबसे पहले आप देख सकें। दर्शक बंधुओं, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।